दिवाली में जब तक पटाखे न जलाएं तो दिवाली दिवाली नहीं होती है। बच्चों को इस दिन मिठाई मिले या न मिले, लेकिन पटाखे तो फोड़ना ही फोड़ना है, और जब तक पटाखे न फोड़े तो भैया दिवाली का मज़ा ही नहीं आता। और ऐसा ही कुछ हाल मेरा भी है, चाहे छोटे हो या बड़े, लेकिन पटाखे तो फोड़ना ही है। इतना पसंद होने के कारण पटाखों का बिजनेस बहुत चल रहा है। तो आइए दिखाते हैं कि आखिर पटाखे बनाए कैसे जाते हैं। शुरुआत करते हैं स्काई शॉट से। इसमें एक बात तो है कि थोड़ा महंगा ज़रूर मिलता है, लेकिन असली मज़ा इसी में आता है, क्योंकि आसमान में जाकर एकदम रंग बिरंगे कलर के साथ रौनक दिखाना बहुत ही अमेजिंग लगता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इन मशीनों के द्वारा कार्डबोर्ड के ट्यूब्स और प्लग्स बनाए जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यह मशीन इन कार्डबोर्ड की कटिंग करके छोटे छोटे ट्यूब बना रही है, और यहाँ देखिए प्लग्स की कटिंग हो रही है। इसके बाद इन सभी ट्यूब्स को एक साथ लगाकर अच्छे से टेपिंग करते हैं, जिससे कि 1200 2400 वगैरह रेडी हो जाते हैं। अब इन ट्यूब्स में सबसे पहले मिट्टी भरकर इस प्रेसिंग मशीन के द्वारा प्रेस करते हैं, जिससे कि बारूद नीचे की तरफ ना गिरे। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि ट्यूब के नीचे एकदम अच्छे से मिट्टी जमी हुई है। अब इसमें पटाखों का फ्यूज लगाते हैं, जिसमें कि हम माचिस से जलाकर पटाखे फोड़ते हैं। और इसके बाद स्काई शॉट में सबसे ज़रूरी चीज़ गन पाउडर डालते हैं। इसे डालने के बाद कार्डबोर्ड प्लग्स लगाकर बंद कर देते हैं, और इसमें फिर से गन पाउडर डालते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि दो बार क्यों डाला जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि एक पाउडर के द्वारा स्काई शॉट ऊपर की तरफ जाता है, और दूसरे पाउडर के द्वारा ऊपर जाकर ब्लास्ट होता है, और यही चीज़ देखने में हमें काफ़ी अच्छा लगता है। यह सभी काम कंप्लीट हो जाने के बाद इनकी पैकिंग करते हैं, और पैकिंग करने के बाद इनमें स्टिकर वगैरह भी लगा देते हैं। और अभी आप देखिए, स्काई शॉट बिल्कुल रेडी है, जो कि आपके घर में रंग बिखेरेगा। यह तो छोटी स्काई शॉट है, जो कि 1200 और 2400 में आते हैं। लेकिन यदि बात की जाए बड़े स्काई शॉट की, तो भैया उसका एक शॉट ही पूरे एरिया के आसमान को रौनक कर देता है। इसे बनाने के लिए कार्डबोर्ड का ट्यूब थोड़ा बड़ा बनाया जाता है। और स्काई शॉट को ऊपर भेजने के लिए सबसे पहले इसमें गन पाउडर डालते हैं, और इसे भरने के बाद स्काई शॉट का गोला डाल देते हैं। इसमें अलग अलग कलर के पाउडर भरे हुए हैं, जो कि आसमान में जाकर कई तरह के रंग बिखेरता है। अब इसे पैक करने के लिए प्लग्स लगा देंगे, और साथ ही में स्टिकर वगैरह लगाकर इसकी ब्रांडिंग कर देते हैं, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगने लगता है। यदि बात करें धमाकेदार आवाज़ की, तो सुतली बम को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यही वह पटाखा है जो कि आसमान फाड़ देता है। इसे बनाना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले छोटे छोटे बॉक्स बनाए जाते हैं, और इन बॉक्स में बारूद भरते हैं। जितना अधिक बारूद भरा जाएगा, धमाल भी उतना ही बड़ा होगा। बारूद भरने के बाद इन्हें सुतली से अच्छी तरीके से पैक करते हैं, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से पैक किया जाता है तो उतनी ही तेज़ आवाज़ निकालता है। अब इसमें हरा कलर कर देते हैं, और इसे 1 से 2 दिन धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब यह सूख जाता है तो इसमें फ्यूज़ लगाते हैं, और इसके साथ ही में स्टिकर वगैरह भी लगा देते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खतरनाक लगता है, क्योंकि इसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है जो कि आसमान भी गरजने लगता है। अब इनको बॉक्सेस में पैक करते हैं और मार्केट में सेल करने के लिए भेज देते हैं। जिनका करेजा मजबूत होता है, वे लोग तो सुतली बम उड़ाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे और लड़कियां क्या करें, जो कि पटाखे देखकर ही भागते हैं, तो उनके लिए यह फुलझड़ी बनाई जाती है, और इसे जलाकर ही वे लोग खुश रहते हैं। लेकिन यदि बात करें लड़कों की, तो लड़के जब तक आसमान न फाड़ दें तब तक दिवाली कम्प्लीट नहीं होती। इन फुलझड़ियों को बनाने के लिए यह स्पार्कलर मेकिंग मशीन बहुत ही बेहतरीन काम करती है। इस मशीन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्पार्कलर सॉल्यूशन डालकर वायर सेट कर दीजिए। उसके बाद यह मशीन फुलझड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर देती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन से फुलझड़ी बनकर निकल रही है। यह फुलझड़ियाँ तो मशीन से बनाई जा रही है, लेकिन जो फुलझड़ियाँ हाथों से बनाई जाती हैं, उसकी चमक और क्वालिटी ही अलग होती है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले इन ब्रैकेट में वायर डाल देते हैं। अब इसे टाइट करके स्पार्कलर सॉल्यूशन में डुबो देते हैं, जिससे कि रॉड में यह पूरा सॉल्यूशन लग जाता है। अब इसे सूखने के लिए धूप में रख देंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस सॉल्यूशन में ऐसा क्या मिलाया जाता है जो कि एकदम कलरफुल रंग बिखेरता है। तो इसे पोटेशियम क्लोरेट, एल्युमिनियम या फिर मैगनीज, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, शुगर और स्टार्च मिलाकर बनाया जाता है, और इसे सूखने के बाद इसमें मैगनीज के पाउडर डालते हैं, जो कि जलते समय एकदम चिंगारी फेंकता है, और यही चीज़ देखने में बहुत अच्छा लगता है।
यह सभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद इन्हें बॉक्स में पैक करते हैं और पैक होने के बाद मार्केट में सेल कर देते हैं, जिन्हें जलाकर बच्चे नाचने लगते हैं। इसके साथ ही में भैया अनार और चकली तो छूट गया, तो आइए इसे भी देखते हैं। अनार बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड को कोनिकल शेप में बनाते हैं। अब इसे ऊपर से लॉक करने के लिए इसमें स्पार्कलर सॉल्यूशन भर देंगे। इसके बाद मैग्नीशियम पोटेशियम नाइट्रेट का पाउडर डाल देते हैं और जलते समय यही पाउडर ऊपर की तरफ निकलता है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। इसे भरने के बाद कार्डबोर्ड लगाकर नीचे की तरफ मिट्टी लगा देंगे, जिससे ये अच्छी तरीके से लॉक हो जाए। अब इसमें ऊपर की तरफ से फ्यूज लगा देंगे और स्टिकर वगैरह लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि अनार आपके सामने तैयार है। और चकली बनाने के लिए एकदम पतले पतले ट्यूब बनाए जाते हैं और इसमें गन पाउडर भर देंगे। अब इसके एक साइड कवर लगा देंगे, जो कि चकली के चारों साइड दिखता है। अब इन सभी चकली को एक साथ एक पाइप के माध्यम से रोल करते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल राउंड शेप में आ जाए, और इसे इन फ्रेम में सेट कर देंगे, जिससे कि चकली फैले नहीं। अब इसे कुछ दिन धूप में सूखने के लिए रख देते हैं, और जैसे ही ये सूख जाते हैं तो इसमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों साइड स्टिकर लगाते हैं, और स्टिकर लगाने के बाद आप देखिए कि चकली चक्कर लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी तो हम सभी का फेवरेट मिर्ची बम देखना बाकी रह गया, और यह बम तो मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि यह साइज में बहुत छोटा है और साथ ही में आवाज़ भी बहुत करता है। इस मिर्ची बम को तैयार करने के लिए इन ट्यूब की छोटे छोटे पीस में कटिंग करते हैं। अब इन सभी पीसेस को इस राउंड फ्रेम में डालेंगे, जिससे कि बाकी काम करने में आसानी हो जाती है। अब इसमें बारूद वगैरह लगाकर हर एक एक ट्यूब में फ्यूज लगाते हैं। आपकी खुशी के लिए ये लोग कितना मेहनत करते हैं शायद आपको अंदाजा नहीं होगा। इन सभी पटाखों में जब फ्यूज लग जाता है तब इसे एक एक करके धागों से बांधते हैं। अपने इंडिया में इस काम को हाथों से ही किया जाता है, लेकिन चाइना जैसे देशों में इन मशीनों के द्वारा करते हैं, जहां पर यह मशीन इन सभी पटाखों को एक एक करके धागों से बांध देती है। और बांधने के बाद आप देखिए यह मिर्ची बम बनकर एकदम से तैयार है। अब इसमें माचिस लगाते ही बस पटापट फूटने लगता है। एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि सभी पटाखों का मज़ा अलग अलग है, सब में अपनी अपनी खासियत है। और ऐसे में देखा जाए तो रॉकेट भी कुछ कम नहीं है। इसमें आग लगाते ही या तो आसमान के ऊपर चला जाता है या तो पड़ोसी के घर में जाकर सीधा बोल जाता है। यदि पड़ोसी परेशान करे तो बस इसी दिन उनके घर की तरफ रॉकेट लगा के उड़ा देना चाहिए। हालांकि आप ऐसा करिएगा बिल्कुल नहीं। इन रॉकेट को बनाने के लिए कार्डबोर्ड के ट्यूब बनाए जाते हैं। अब इन ट्यूब को ऊपर से लॉक कर देते हैं, जिससे कि आग नीचे की तरफ लगे और रॉकेट ऊपर की तरफ भागे। लॉक करने के बाद इसमें गन पाउडर भर देते हैं, जो कि इसको ऊपर की तरफ ले जाने में हेल्प करता है। यह पाउडर भरने के बाद इसे नीचे से लॉक करके फ्यूज लगा देंगे। वैसे आप बताइए कि स्काई शॉट अनार रॉकेट में आपका फेवरेट कौन सा है, नीचे मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अब इसमें स्टिक लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही स्टिक इसको सीधा डायरेक्शन में ले जाने के लिए हेल्प करता है। और बस यह सब कुछ लगाने के बाद आप देखिए कि रॉकेट बनकर एकदम से तैयार है, जो कि आपके दुश्मन के घर में जाकर सीधा लॉन्च होगा। एकदम खुशी मन के साथ जी भर के हंसिए खेलिए और दिवाली मनाइए, क्योंकि जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक टेंशन आती रहेगी, लेकिन दिवाली सिर्फ एक बार आती है, तो इस मौके को ना गंवाना नहीं है। अब वीडियो पसंद आ ही गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल में दिवाली की मिठाई बनाने के लिए लड्डू पेड़ा रसगुल्ला और जलेबी बनाने की एक से बढ़कर एक इंजीनियस मशीन अवेलेबल है, जो कि आपके बिजनेस में 10 गुना ग्रोथ देती है। इसलिए इन सभी मशीनों को आप एक बार ज़रूर देखिए।